ने खा पी लिए हैं और हमारी चटनी होगी खत्म और कोई मेहमान आ गया है। राम राम जी सारा ना, आप सबका स्वागत है जिठानी दुरानी ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से। भाई सुबह का टाइम है, आज संडे का दिन है और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल खाना बन रहा है। भाई हम दोनों अभी आ गए हैं रसोई में, मैं और मेरी जिठानी, हम दोनों अभी बनाओगे आलू के परांठे। आज आलू के परांठे बना रहे, बालक आ गया, मन था, छुट्टी का दिन था ना, कैसा स्वाद आया भाई, मजा आ रहा है। शॉर्ट कपड़े बिल्कुल नहीं धोए, कपड़े तो मैंने धोंदे को ना, क्योंकि हम दोनों जब ठीक ठाक हो तो सारा काम ठीक चल रहा है। हाँ तो मेरी तो कभी ब्रांड मैटी हो रही है, करना पड़ा है, वही बता बार का कौन करा, जब तबियत खराब इसकी आंख में उतरडा मैं बेचारी फिर भी रसोई में आ रही है, थोड़ी हेल्प करवाने खातर भी बड़ा तक खवा देगी गर्म गर्म। झाड़ू बर्तन रही राई सारा कुछ चून चान बेना आज भी कर रखा था, फिर भी वही बात हो जाए, डंग डुंगरा का भी काम दिक्कत आज छिट्टे से लागे पसीना इस वजह से भाई। सारे ने खा पी लिए हैं और हमारी चटनी होगी खत्म और कोई मेहमान आ गया है, दही बनना है, दही के साथ खाली परांठे खावाऊंगी भाई, मजा आ गया। सब्जी भी नहीं बनाई इस तरह भी, और स्पेशल होना सब्जी सब्जी बनाओ करके काम चल जाएगा ना, वो भी कोई सी बात नहीं, स्पेशल तो अभी पर यही साहब बेचारा सिंपल सा खा ले अचार के साथ सब्जी, तो बिना खाया कर कदे हम दे भी दे उसको भी जुटकी छोड़ दे टिकट टिकट उस ले फिर प्राण छड़ दे ही वाले सवाल है दही की, तो दही परांठे नूनी घी दे होंगे और मारेगा लौट के साग में मांगेगा क्या आते ना सब्जी बना देते ना ठीक है ना सब्जी नहीं शाम का टाइम हो रहा है, दिन में खाना पीना खा लिया था, फिर बच्चा ने करा था स्कूल का सारा ना काम और फिर दिन में थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, क्योंकि आजकल इतनी बादल है, गांव में बहुत कड़ा काम पड़ा है, इतनी तेज धूप है बाहर, हालांकि बादल तो बाहर पूरे थे, कभी सुथरा मौसम दिख रहा था पर हमारे यहाँ बारिश को ना हुई है। फिर हमारा शाम का हो रहा है चाय का टाइम, आज लेट हो रहे हैं, हम चाय के साथ एक बिस्कुट ले रहे हैं, आज हमने बड़का तभी अपना चाय पिया है ना बेटा, क्योंकि संडे स्पेशल है कुछ अलग हो गया, चाय के साथ इतना रस और बिस्कुट बास्कुट लिए, क्योंकि आज सुबह का खाना बहुत लेट हो रहा था, ऐसी खाना था सुबह वो आलू के परांठे थे, फिर वे अजीब सा हो जाए ना खाए पीछे, तो शाम का टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, चाचू भी आ गए थे, मैं आ गए हैं साइड पे आज आपसे के लिए धार दूर काटने खातर, एक गांव की तो धार काट दी थी, दूसरी की बाकी है, फिर मैंने यहाँ पर खाट बिछा दी, उरली साइड में आज मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, खाट बिछाए पीछे और यहाँ पर आज हवा बहुत बढ़िया चल रही थी, कथी जो भी आवा सारे यहाँ पे बैठ जाए, पिंकी भी आज यहाँ पे आके बैठी है, तो यहाँ पर हम अभी बातचीत कर रहे थे, पिंकी कह रही थी एक मैंने ना आज तोरी की सब्जी ना चूल्हे बनाने की सोच रहे थे, तो हवा तेज है तो चूल्हे पाग नहीं बढ़ सकते हम, क्योंकि तेज हवा में ना फिर चूल्हे पाग नहीं बढ़ती, ईंधन ईंधन खराब होगा भाई, फिर आँच ऊँच को ना लग गए इस वजह से, और पिंकी की आँख में भी प्रॉब्लम है, तो मैं कह रही थी माँ भी रहने दे कोई बात नहीं, मैं तू बस ऐसा कर अपना तोरी चीर दिए वहाँ छोंक दूंगी मैं, गैस पे बना लेंगे आज तो कुकर में तोरी की सब्जी, तो भाई वही बात हो जाए, बैठे भी छोड़ दो चार बात निकल जाए दोनों में अपना कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग घर का काम दाम, क्योंकि भाई हमारे पास कोई बड़ा छोटा तो है हुआ है फैमिली में ना, फिर बड़े आदमी ना आदमी मिस करा है, ऐसे खाट पे बैठ कर हमारी हमारा भी कोई जो करो सास ससुर होते तो भी बहुत फर्क हुआ इस चीज़। तो भाई इधर हमारी गुड़िया आ गई है तोरी लेकर आई है, माँ बेटी दोनों बैठ कर अभी तोरी छिरलना लाग रही हैं, भूमि कह रही है मम्मी आप चिंता मत करो मैं आपकी हेल्प करवा दूंगी सारे काम, मम्मी कर लेगी मैं कर लेंगे आप चिंता मत करो, भाई हमारी गुड़िया इस लायक तोरी हमारी हेल्प कर ले है, तो अपना स्कूल का काम अभी सारा निपटा कर आ गई है, और मैं अभी दार दूर निकाल लिया अभी न्यार कर लाग रही हूँ तोरे इनका काम। ये भी शाम का टाइम हो गया है, पिंकी ने भूमि ने सब्जी चीर दी थी, आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल सूखी तोरी की सब्जी, मतलब कितना मात्र पानी है, क्योंकि तोरी की सब्जी ना पानी छोड़ दिया अगर है, क्योंकि तोरी भी गिरा मैंने ज्यादा पानी गिरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे पानी हमें ना चिनुकी मार गिरना पड़ा है, चिनुकी हमारी पानी की सब्जी खाना तो बना दी है, बाकी मेरा काम चल रहा है, पिंकी का आटा लगा के
थोड़ा ऐसा लगा कि मैं सुबह का बच रहा है और भाई आज सुबह परांठा हम तक पॉकेट हो गया था हमारा क्योंकि वही बात है कोई आज आज बाहर फिर मेटेरियल कम पड़ जाए दोबारा से सिंगल तैयार नहीं होते फिर खाली परांठे काम चलाना पड़े बट नो है बड़ा बहुत बड़ा टेस्ट आ गया था पर संडे के दिन इनकी फरमाइश थी कई दिन तक रहते हमारा ऐसा कम रहेगा अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहो ना मतलब कोई बैठ कर डिस्कस करो बाढ़ क्या देगा मम्मी यह चीज़ बनाई तो हम प्लान बना लिया उस दिन बनाना तो आज हमने घरे तक प्लान बना रहा ठीक है वो तो थोड़ी दिक्कत नो आ गई पिंकी थोड़ी तबियत खराब था मेरे व्याख्या में प्रॉब्लम है बेचारी कह रही है तो अपने बच्चे का भी माना है बट इनका तो आज आराम है कल देखते हैं इन्होंने भेजी नहीं स्कूल में बतलाऊंगे कभी हमारी वीडियो कैसी लगी आप सब ना प्लीज़ बता दियो रिक्वेस्ट कर देता हूँ भी शेयर कर जाओ वीडियो ठीक है प्लीज़ आप सब हमारे फैमिली मेम्बर हो आप सब उसको फील करोगे तो फोन कराएगा और हम सब पूरी कोशिश करेंगे बड़े अच्छे वीडियो बनाने की आप सबके सामने ठीक है तो भाई उम्मीद करते आप सबको लोग अच्छा लगा होगा तो कल फिर मिलेंगे अच्छे से नए सब लोग के साथ काम करते हैं।